नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस द्वारा उन्हीं के गांव में फेरी और दूध वाला बनकर रैकी कर गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर सन 2022 से 2023 के बीच में की गई 5 चोरियों का खुलासा किया गया है। इंदौर के DCP अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया कि लसूरिया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरियों की वारदात को लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही थी और इसी के तहत राजस्थान से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को लेकर कुछ सबूत मिले थे, जिसके आधार पर लसूरिया की पुलिस टीम राजस्थान राज्य के अजमेर, भीलवाड़ा और केकड़ी जिले में आने वाले गांव में पहुंची और फेरी वाला और दूध वाला बनकर एक सप्ताह तक गांव में डटी रही। इसके बाद केकड़ी गांव में पुलिस को सफलता मिली और सूरज पिता रमेश बागरिया, सूरज पिता मोतीलाल बागरिया सहित भगवान और फघनिया बागरिया को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने केरल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आदि राज्यों में चोरी की घटना करना कबूल किया। तो वहीं इनका जो गिरोह है वो तमाम राज्यों में काफी सक्रिय है और ये जहां पर भी जाते हैं पहले क्षेत्रों में फेरी वाला बनकर सोने मकान में रैकी करते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और उन्हीं की स्टाइल में पुलिस ने भी उनके गांव में रैकी कर इन्हें दबोच लिया, जिनसे पूछताछ में 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो 5 चोरियों का खुलासा हुआ है, सुनार को भी पकड़ा गया है जिसके पास से गला हुआ सोना बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस तीनों ही पकड़े गए आरोपियों से बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है ताकि क्षेत्र सहित अन्य राज्यों में जो चोरियां हुई हैं उनका भी खुलासा किया जा सके और उनके अन्य सदस्य जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हैं उनको भी पकड़ा जा सके। लसूरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार जो है लसूरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है नकब जनियों की सूचना जो है पुलिस को मिल रहे थे, जिनमें कई FIRs भी हुए थे। तो इसमें फाइनली जो है जब हमने उन FIRs में और वीडियो फुटेज का जो पैटर्न देखा तो वीडियो फुटेज में उसमें जो है और एक अन्य अपराध जो कुछ अन्य अपराध उनके आरोपियों से बातचीत की और उस वीडियो फुटेज का जो हमने घटनास्थल से मिला था उसमें जो है अन्य जो है न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जो पड़ोसी राज्य हमारे राजस्थान और गुजरात उनके ग्रुप्स में भी जो है पर्टिकुलर जो है उनके ग्रुप्स में शेयर किए गए थे वो वीडियो फुटेज और दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके शहरों के जो क्राइम की टीम है उनसे बात किया गया था। तो फाइनली हमें ये जानकारी मिली कि ये जो टीम है ये बागरिया गिरोह है राजस्थान में उसके सदस्य हैं। उसमें जो पुलिस ने वहां के जो केकड़ी जिला केकड़ी रखता है राजस्थान में वहां से हम लोग को फाइनली ये जानकारी मिली वहां के रहने वाले हैं। तो हमने इसके बाद फिर पुलिस वहां पर टीम वहां पे गई काफी ऑर्गेनाइज तरीके से और काफी जो गुप्त तरीके से पुलिस ने वहां पे फूल वाले रेहड़ी वाले इस तरह बनकर की पूरी जो है रेकी किया। उसके बाद फिर जो है 3 आरोपी है जिसमें इनको पुलिस ने धर दबोचा है। इनके नाम सूरज पिता रमेश बागरिया, सूरज पिता मोतीलाल बागरिया और भगवान पिता हरदेव बागरिया, ये तीनों केकड़ी जिला राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है अभी तक जो टोटल 5 चोरियां वो करनी कबूल की, 2 चोरियों का मशरूका करीब 2 लाख रुपए इनसे अभी तक पुलिस जब्त भी कर चुकी है सोने व चांदी के आभूषण जो है। और हम जो है ये अभी और भी जो बाकी अन्य 3 जो चोरियां उनके बारे में भी इनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनके मशरूका भी अपन प्रयास कर रहे हैं जल्द ही इनसे बरामद करने। इसमें राजस्थान में जो हमारी टीम है सबसे पहले ये टीम जो है थाना प्रभारी लसूरिया के नेतृत्व में ये टीम बहुत अच्छा काम किया। सब इंस्पेक्टर अरुण मलिक, संजय बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह, नरेश चौहान, अजय प्रजापत, विक्रम सिंह, प्रदीप भदौरिया, आनंद जाट और वहाँ केकड़ी के जो आ रहे हैं भाग सिंह जाट और साइबर सेल से हमारे प्रवीण, विनय, राहुल, आरती, विनीत, इन सब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे लसूरिया की जो टीम थी वहां पर जो है जो चूंकि वो गांव था काफी जो है संवेदनशील गांव था तो इसलिए जो गांव के इलाके में हम लोग फूल वाले रेहड़ी वाले इस तरह बनके वेश बदल के हमारे जो पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर और जवान थे वो तैनात थे। इन्होंने पहले आसपास पूरा जो है और वहां के लोकल जो टीम है केकड़ी के वहां से भी हमको काफी कोऑपरेशन मिला, आसपास रेकी की और फाइनली जो है ये 3 लोगों को जिनको चिन्हित किया गया था इनको धर दबोचा गया सदस्य पूरे गैंग में। अभी कुछ और नाम अभी आए हैं सामने, अभी वो गोपनीय है हमारे लिए तो कुछ और नाम सामने हैं, हम उनकी तलाश भी कर रहे हैं और जल्द ही इसमें आपको कुछ अन्य गिरफ्तारियां वो भी देख सकती है। और कितने दिन पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, कितने दिन तक रेकी किया? करीब हम लोगों को 1 सप्ताह वहां पर रहना पड़ा था और उसके जो ये उसके अलावा वहां पर जो लोकल जिला पुलिस है उसकी भी काफी कोऑपरेशन लगी थी हमको। कैसे अपराध करते थे, क्या टारगेट कैसे करते थे घर को? जैसा कि हमने बताया कि ये बड़े बड़े शहरों में इनके कई अंतर्राज्यीय जो ये गिरोह एक तरह से है क्योंकि केरल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में इनके अपराध है। तो ये जिन एरियो में ये पहले रेकी करते थे रेकी करते कहे कि चौराहों पे फूल बेचने वाले, पेन, मोबाइल,
मोबाइल कवर ये सब बेचने वाले बन के ये सुने मकान है मोहल्लों के उनकी रेखी किया करते थे, रात के टाइम में इस तरह के अपराधों को जघन अपराधों की घटना अंजाम दिया करते थे और फाइनली फिर पुलिस ने इनको पकड़ा। ये जनरली जो है ये फुटप्रिंट नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए जो बस है इसके माध्यम से आया करते थे और पूरा जो है बस से कई बाईपास पे उतर के और फिर इस तरह के पूरे जो है कारनामों को किया करते। इनको पकड़ने में पुलिस को सबसे बड़ा साक्ष्य क्या मिला था जिनके आधार पर इनको पकड़ा गया? हमले मेन जो है वीडियो फुटेज है, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य था जिसके बेसिस पर हमने पूरी कार्रवाई। हमने बताया कि लोकल जो वहां के जो थाना भिनाई है वहां के आरक्षक जो भाग सिंह जाट, उनका काफी अच्छा नेटवर्क था तो उनका काफी सहयोग मिला हमें इस पूरे प्रकरण में। सर नियोग में जो 12 से 15 सदस्यों का आपने उल्लेख किया, इसके अलावा जो इनसे जो चोरी का माल खरीदते थे उनकी संख्या क्या प्रदेश में इंदौर शहर में इन्होंने कभी किसी को कुछ माल बेचा है? नहीं, अभी तक हमको जो जानकारी प्राप्त हुई इसमें जो सोनी है वहाँ राजस्थान के, राहुल शर्मा नाम है, वही केकड़ी जिला के रहने वाले हैं, उनको इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया। उनसे जो कुछ सोना जो है जो कि गला दिया गया था वो उनसे जब्त किया गया और उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया, तो चौथे आरोपी वही है। तो क्या ये हर जगह सोना ले जाकर अपने गांव के सुनारों को बेचते थे? जी हाँ, क्योंकि ये लोकल इनका अभी तक नेटवर्क समझ नहीं आया, लेकिन लोकल सुनारों से ही उनका विश्वास जो है वो अपने गांव और अपने जिले के जो सुनार है उनपे था और उन्हीं के माध्यम से ये पूरा कारोबार किया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।